हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश, दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ सार संग्रह प्लेटफॉर्म बुक की, जो पब्लिकेशंस है रुक्मणी पब्लिकेशंस। देखिए, इस बुक के अंतर्गत प्रीवियस ईयर के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब का एक कलेक्शंस है। और इसके हमने कौन कौन से पार्ट पूरे कर दिए हैं वो मैं न्यू एस्पिरेंट को बताना चाहूँगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, ये जो है हमारा इस चैप्टर जो है इस बुक में वो पूरा हो चुका है, ये कंटेंट हमारा पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति स्वतंत्र आंदोलन के सभी वीडियो इस चैनल में हमने अपलोड कर दिए हैं। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इसके हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, चौथा पार्ट ये बन रहा है। विविध पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस बुक में जो भी क्वेश्चंस रखे गए हैं वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी का, चाहे वो एलडीसी का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका एसएससी सीजीएल का ही एग्जाम क्यों ना हो। तो प्लीज़ बने रहिए इस चैनल के साथ में और ध्यान से इस वीडियो को वॉच करिए। वीडियो वॉच शुरू करने से पहले अपना पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए प्लीज़, ठीक है। जो भी जिस क्वेश्चन पर अगर मैं स्टार लगाता हूँ तो मतलब वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है, तो इसलिए पेन पेपर लेके बैठिए। और आपको प्रीवियस वीडियो कोई भी देखना है, सारे वीडियो आप देख सकते हैं, अवेलेबल हैं, आराम से आप देखिए उसको। इस वीडियो को एक बार वॉच करने से बात नहीं बनेगी, इस वीडियो को कम से कम आप 3 से 4 बार वॉच करते हैं, या 2 से 3 बार वॉच करते हैं ध्यान से, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। देखिए, वही सेम है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इसके 3 से 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, आप देख लीजिएगा। मैं करता हूँ ये वीडियो अब स्टार्ट। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। यह कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। संसद के 3 अंग कौन से होते हैं मोस्ट एमपी? एक होता है राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए 78 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? अगर उसको रिजाइन दे रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो वो किसको देगा? वो देगा राष्ट्रपति को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर निषेध करता है, मतलब बाल मजदूरी जो है वो पूरी तरह से भारत में बैन है? ये कहता है अनुच्छेद 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य क्या है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे, उसको वेरीफाई करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रेजेंट करे, प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक उपनिवेशिक राज्य, मतलब डोमिनियन स्टेट था। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतरिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रपति विकास परिषद द्वारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को करी थी? जो एटली ने जो कहा था कि अब हम भारत को फ्री कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं, ये जो घोषणा पत्र जो दी थी वो किस डेट में दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 1947 को। रियल में हमको सूचना मिली थी वो 20 फरवरी 1947 को मिली थी कि हाँ, भारत अब क्या हो रहा है, आज़ाद होने जा रहा है। एग्जाम में ये पूछता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस वक्त कौन था जब भारत में घोषणा की गई उसकी स्वतंत्रता की, आपको ये नाम याद रखना है, प्रधानमंत्री एटली, ठीक है, इसको नोट्स में आप लिख लीजिएगा। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि
करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? पांडिचेरी और दिल्ली। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। आपातकाल, इमरजेंसी। इमरजेंसी कहाँ से ली गई है? देखो अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी के दौरान सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इमरजेंसी हमने किस देश से अडॉप्ट की है, किस देश से हमने ली है? ये ली हमने जर्मनी से, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक अधिकार हमारा यूएसए। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? एक वर्ष के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वारा। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? कोई समय सीमा निश्चित नहीं है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि विधेयक को इतने टाइम पर उसे पूरा करना होगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा गया? सदरे रियासत जम्मू एंड कश्मीर का ओल्ड नाम है, ठीक है, ये नाम आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार चलाया गया है? एक बार। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा 6 वर्षों के लिए, ठीक है, ये याद रखना। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसके पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशी को जारी करता है? मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि जो हमारी एग्रीकल्चर है किस सूची में रखा गया है? इसको राज्य सूची में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी बनता है, ठीक है। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? 360 के आधार पर। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, अलग कर दिया गया सूची से? ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं, 44वें जो संविधान संशोधन है इसको हम बोलते हैं छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, इसको आप लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार के स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक
प्रावधान है कि कोई भी मनुष्य दल बदल कर सकता है। तो ये 10वीं अनुसूची में आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? संविधान का निर्माण हो कुछ ऐसा उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो पेश करा, किसने करा? जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करना, उसको वेरीफाई करना और संविधान के विचारों को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है इसी पार्ट में, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम दिन था क्या था? 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्य के उच्च अधिक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं यह किस अवयव पर निर्भर होते हैं? राज्य की जनसंख्या पर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समादेश है। समवर्ती सूची में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकार से। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे यह क्या तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल लिखित सलाह मिलने पर ही की जाती है। अगर मंत्रिमंडल रिटर्न में देता है कि आप इमरजेंसी लगा दो तो राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषणा तब करता है, ठीक है। और किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? ये बात कब जोड़ी गई? ये बात जोड़ी गई 44वें संविधानिक संशोधन के पश्चात। किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेजेंट होगा, उसके पास जब जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता? 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये कहा गया था। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख है? 27 का। और अब जो हमारे राज्य हैं कितने हैं? 29। 29 कौन सा बना? तेलंगाना। इसके सीएम कौन थे? इसके सीएम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस मैं कई बार पूछ चुका हूँ और कई लोगों ने इसका सही आंसर दिए हैं। तो आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप 29वें जो राज्य बना तेलंगाना, इसके सीएम कौन थे आप मुझे बताइए। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35। यदि किसी राज्य का राज्यपाल दो राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा परिच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कमीशन जो है
में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? मोस्ट एम्पी क्वेश्चन। शारदा एक्ट जो संबंधित है वो है बाल विवाह से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था? अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए। 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा। योजना आयोग का नाम अब चेंज कर दिया गया। एग्जाम में अब ये पूछता है कि इसका नया नाम क्या रखा गया? इसका नया नाम रखा गया नीति आयोग। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950। अब जो एग्जाम जो में जो चेंजेस ला रहा है इस क्वेश्चन संबंधित, वो ये पूछ रहा है कि योजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया और इसकी स्थापना क्या हुई। आपको ऑप्शन देगा नीति आयोग 1950, रीति आयोग 1950। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख करा गया है? अनुच्छेद 280 में। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की गई? राजा मन्नार समिति ने। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए। केंद्र सूची, राज्य सूची और सातवीं सूची, सॉरी, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ मिलता है? सातवीं अनुसूची में। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। अब जो है हमारे पास 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 79 में। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद कोई भी होता है उसका निपटारा कहाँ होता है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक या एकात्मक किस प्रकार का है? दोनों प्रकार का होता है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है, ऑन द स्पॉट इसका आंसर मिलता है, उसको बोलते हैं तारांकित। तारांकित मतलब ये जो साइन बनाया, तो इसलिए ये भी तारांकित है और ये भी तारांकित है, आप इसको नोट करिए। मतलब तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तारांकित प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं? मौखिक दिए जाते हैं या लिखित, और अतारांकित प्रश्नों के, तारांकित के हमारे मौलिक होते हैं, मतलब वर्बली इसका आंसर दिया जाता है, और अतारांकित के हम रिटर्न में आंसर चाहते हैं। ठीक है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 368 में। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 6 में। आर्टिकल 6 ये कहता है कि कोई भी पाकिस्तान से आकर भारत में रह सकता है, यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत रखे गए हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुशंसा की।
राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया? मोस्ट एमपी न्यायमूर्ति अबुल न्यायमूर्ति फजल अली को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? अनुच्छेद 395 अनुसूचियां 9 में। किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन से रिट जारी करता है? हैबियस कॉर्पस। न्यायालय प्रतिषेध प्रोहिबिशंस रिट किस उद्देश्य से जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में। इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, छोटा संविधान भी बोलते हैं इसको। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला किया? संकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है? राष्ट्रपति का चुनाव पूछ रहा है वो, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव प्रणाली इसकी क्या है? यह एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है क्या? राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्री परिषद। कोई भी कार्य करेगा राष्ट्रपति, वो किसकी सलाह लेगा? मंत्री परिषद की। मोस्ट एमपी। अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का। जो भी अमेंडमेंट होता है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में, वो क्या है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है। प्रतिषेध प्रोहिबिशंस और उत्प्रेक्षण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया? सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता है? भारत की जनता। वास्तव में यहाँ की जो सुप्रीम जो पावर होती है वो भारत की जनता के हाथ में होती है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। संविधान के भाग थर्ड में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। गवर्नर जनरल भारत में किसके प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश सम्राट का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, भारत की जनता द्वारा। भारत के किन राज्य का प्रत्यक्ष संविधान है? यह संविधान के किस वर्ष अंगीकृत एवं लागू किया गया? जम्मू कश्मीर का 1957। जम्मू कश्मीर में जहां प्रत्यक्ष संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति लेकिन वहां के राज्यपाल का चुनाव नियुक्ति करता है, उसे शपथ दिलाता है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन करता है? संसद का कोई भी सदन। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। केंद्रीय बजट में व्यय कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? ऋणों पर ब्याज का भुगतान। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकता है? जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर बी.एन. राव ने। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध प्रमुखतः
किससे था? जवाहरलाल नेहरू से। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाही में अधिकार से भाग ले सकता है? भारत का महान न्यायवादी। मोस्ट टाइम क्वेश्चंस। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? किसे प्रदान थे? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 ज्ञ के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चंस मोस्ट टाइम क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया रखी गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये लिखिएगा बस नोट्स में अपने, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है नोट्स में अपने, ठीक है? शॉर्टकट नोट्स बनाइए। इस बुक के पूरी की लाइन अगर आप कॉपी करते हैं तो उसमें बहुत टाइम खर्च होगा एक बुक में, और अपने नोट्स में कुछ तो फर्क रखिए, ठीक है? प्लीज़ इसको शॉर्टकट नोट्स बनाइए इस तरह से। किस राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्य का निर्वाह कौन करता है? पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। मोस्ट एमपी। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25। यह कथन किसने कहा था? भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। प्रोफेसर केसी हियर ने। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ जो डिसाइड होता है, इसका प्रधानमंत्री का पूरी सैलरी वगैरह जो भी उसको एक्स्ट्रा भत्ते मिलते हैं वो कौन करता है डिसाइड? वो करते हैं संसद द्वारा। भारत के वे प्रथम स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर कौन थे? पहले स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ? प्रथम स्पीकर लिखिए नोट्स में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लिखिए, बस नाम याद रखिए, जीवी मावलंकर। मोस्ट एमपी। वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जीवी कृपलानी। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं इस बुक के, वो वीडियो आप देख लीजिए, सारे के सारे मैंने अपलोड मैक्सिमम कर दिए हैं। ये बुक अब बहुत कम बची है तो इसलिए, अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। जो लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है तो सब्सक्राइब इसको करना मत भूलिएगा। और आपका जो भी कोई कमेंट हो, कोई भी कोई राय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए अपनी राय। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। उन्नति कॉम्पिटिशन्स क्लासेस की पूरी टीम की ओर से आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। एक ज़रूरी सूचना और अगेन मैं आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि इसके कौन कौन से पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति कंप्लीट अपलोड हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी ये चल रही है, अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, और ये बहुत जल्द 2-3 पार्ट में ख़त्म होने वाला है ये हमारा पूरा चैप्टर। नेक्स्ट हमारा विविध, विविध हमने कंप्लीट कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी पढ़ाने की, अगर मैं काफ़ी स्लो पढ़ाता हूँ तो इस पेज में बुक में टोटल मिलाकर ये कम से कम 250 पेज हैं। 250, देखिए 231 पेजेस हैं इसमें टोटल। तो अगर मैं स्पीड अपनी स्लो रखता हूँ तो आप ज़रा सोचिए कि वीडियो कितने सारे बन जाएंगे इसमें। तो स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है, तो स्पीड ज़्यादा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बट इतनी स्पीड हमको मेंटेन करनी पड़ेगी इस बुक को टाइम से समाप्त करने के लिए। एमटीएस वालों के लिए ये बुक्स काफ़ी स्ट्रांग बुक है, काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है। तो इस एमटीएस, एलडीसी, एसएससी, सीजीएल जितने भी एस्पिरेंट हैं इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए। इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार वॉच करिए और नोट्स अपने टैली करिए। आप सोचिए कि एक पेज को अगर ढंग से कंप्लीट कर ले रहे हैं तो हम कितना, हम लोग नॉलेज अपने नॉलेज बैंक में गेन कर रहे हैं, ठीक है? कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। वीडियो के बीच में प्लीज़ कम कम उठिएगा कि किसी काम के लिए पॉज कराओ, उठ के वो काम करके फिर दोबारा से वीडियो को वॉच करने बैठे। इस तरह से क्या होता है, पढ़ाई का फ्लो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी गलती प्लीज़ मत करिएगा। नोट्स बनाओ तो शॉर्टकट नोट्स बनाना, पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? 44वें संविधान संशोधन कब हुआ जैसे इसमें लिखा गया है, तो आप लिखिए 44वां संविधान संशोधन इक्वल में 1978। बस आप जब नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप सारी लाइन लिख लिख अगर लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो इससे से क्या होगा, आपकी नोट्स बहुत ज़्यादा थिक बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटे बन जाएंगे, जिसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? नोट्स का मतलब होता है नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो,
ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। ये था सार संग्रह। ओके, धन्यवाद।